बस सुबह उठते ही नाभि पे लगा ले यह चीज और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आजकल तो हर कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है और चाहता है कि उसका जीवन लग्जरी से परिपूर्ण हो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। और देखा जाए तो ऐशो आराम की जीवन जीने की इच्छा किसकी नहीं होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मतलब हर कोई अमीर नहीं होता। और इस सबके पीछे है व्यक्ति के कर्म और ग्रहों का असर। अभावग्रस्त जीवन जीने के पीछे शुक्र ग्रह का कमज़ोर होना सबसे बड़ा कारण होता है। शुक्र के निर्बल अथवा दुष्प्रभावित हो तो भौतिक अभावों का सामना करना पड़ता है। दरअसल, अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव नहीं होता है और इसके अलावा अगर आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आकर्षित नहीं होती हैं, तो इसके पीछे का कारण ही आपका शुक्र कमज़ोर है। जब शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो इंसान के जीवन में सुख शांति और शादीशुदा जीवन पर असर पड़ने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करना है तो हमारे शुक्र को मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय मिलती रहे। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। हमारे शास्त्रों में शुक्र ग्रह इत्र का गहरा बहुत संबंध बताया गया है। इससे जुड़े उपाय करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य में संबंधित बहुत सारे लाभ प्राप्त भी होंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन घर से निकलते वक्त अपनी नाभि में चंदन, गुलाब या मोगरे का इत्र लगाना है। इससे संपन्नता और वैभव बढ़ता है। चंदन व मोगरे का इत्र नाभि में लगाने से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं, जैसे माइग्रेन, सिरदर्द, क्रोध और नींद से संबंधित समस्याएं भी छूमंतर हो जाती हैं और पैसों की कमी पूरी होती है। इत्र का प्रयोग हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए भी किया जाता है। खुद को सुगंधित रखने के लिए कई लोग इत्र लगाते हैं, लेकिन आपके किसी दिन या रोज़ाना जब भी घर से बाहर निकले, सुबह अपने कार्य पर जाने के लिए सबसे पहले आपने नाभि पर इत्र लगाना है। सबसे पहले चीज़ तो यह है यह जान लें कि यह इत्र आपके जीवन को पैसों के खरीदा हुआ होना चाहिए, यानी कि किसी का गिफ्ट दिया हुआ या किसी का लिया हुआ नहीं होना चाहिए। आप इसको अपने पैसे से खरीद कर लाइए, फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी सुबह उठने के बाद स्नान करने से पहले ध्यान करके आप रोजाना के कार्यों से निवृत्त हो जाए, यानी कि आप पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाए, तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद अपने प्रभु की अर्चना करें, जिसके जो आपके गुरु हैं उनकी पूजा कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए उनके आगे हाथ जोड़ते हुए। तो इतना ही कर लें कि इसके पश्चात नाश्ता ग्रहण करने से पहले ही आपकी अपनी नाभि पर ज़रा सा इत्र लगा लें। मतलब कि अगर आपने पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद आपने नाश्ता बाद में करें, पहले आप अपनी नाभि पर इत्र लगाएं। इत्र वो किसी चीज़ का भी हो, चाहे चंदन का हो, मोगरे का हो, गुलाब का हो, किसी का भी इत्र हो, वो अपनी नाभि पर आपको लगा लेना है। यह है आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। घर से निकलने से पहले आपके काम सारे सफल होते चले जाएंगे अगर ये घर से निकलने से पहले करेंगे ये उपाय। अगर आप यह आप अपनी किसी भी उंगली से लगा सकते हैं और इसको आप अपनी उंगली पर लेकर नाभि के ऊपर बिल्कुल हल्का सा टच ही करना है। आपको ये भी बता दें कि गुलाब का इत्र ही लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय होता है, इसलिए अगर आपको धन संबंधी को परेशानी है, आपका कई रुका हुआ पैसा है, तो गुलाब का ही इत्र लगाएं, उसके लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, अगर इस उपाय को आपने नवरात्रों में किया तो छप्पड़ फाड़ के आपके पास पैसा आएगा। आप प्लीज़ अपने मन में ये मत लाइएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, होता है, आजमाया हुआ है ये हमारा। आप अपनी नाभि पर इसको लगाइए, फिर देखिए चमत्कार किस तरह से चमत्कार होता है। दोस्तों, आपने अपनी नाभि पर सरसों का तेल, चमेली का तेल, ये सब भी लगा सकते हैं आप। इनसे भी वही असर होगा जो एक इत्र से होता है। इनको इसको लगाने से वैसे भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें आपकी
पूरी होती हैं। जैसे कि आपके होंठ सूखे हुए हैं या होंठ गुलाबी नहीं हैं आपके, अगर आप नाभि पे तेल लगाएंगे तो इसका भी असर होता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन पैसों को लेकर अगर आप ये सोच के लगाएंगे कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो वो आपकी आर्थिक तंगी दूर होती चली जाएगी। आपने ये रोज़ करना है जब तक आपको लगे कि भाई, लेकिन होता बहुत जल्दी है, बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।